सुशांत सिंह राजपूत के मामले में बड़े फिल्म मेकर आदित्य चोपड़ा अचानक बांद्रा के पुलिस के पास पहुंचे और सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सबसे बड़ी गवाही दे दी और इस गवाही में आदित्य चोपड़ा ने बहुत कुछ कह डाला है। उन्होंने ऐसा कुछ कहा है जिससे अब सलमान खान की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आपको बता दें कि आदित्य चोपड़ा की पुलिस के साथ ये पूछताछ 6 घंटे तक चली और उसमें क्या क्या कहा आदित्य चोपड़ा ने और क्या क्या खुलासे किए उन्होंने, वह सब कुछ आपको बताएगा हिंदुस्तान मिरर। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पुलिस सूत्रों के मुताबिक आदित्य चोपड़ा से पहला सवाल किया गया कि आप सुशांत सिंह को कब से जानते हैं और पहली बार सुशांत सिंह से कब मिले थे, जिसका आदित्य चोपड़ा ने जवाब देते हुए कहा कि जब सुशांत की फिल्म काईपोचे 2013 में रिलीज हुई थी तो मेरी टीम ने सुशांत से कांटेक्ट किया था और कास्टिंग मैनेजर शानू ने सुशांत को बुलाया और तभी सुशांत से पहली बार मुलाकात हुई थी। अगला सवाल जो आदित्य चोपड़ा से पूछा गया कि सुशांत के कॉन्ट्रैक्ट की क्या कहानी है, तो आदित्य चोपड़ा ने जवाब दिया कि हम नए कलाकारों के साथ 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट में सारी शर्तें लिखी रहती हैं जो कलाकारों को कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त बताया जाता है और सुशांत के साथ भी ऐसा ही कॉन्ट्रैक्ट साइन था। सुशांत को उनके साथ 3 फिल्में करनी थी। आगे पुलिस ने पूछा कि आपने उन्हें रामलीला और बाजीराव मस्तानी फिल्म क्यों नहीं करने दी, तो उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सुशांत अगर किसी फिल्म को रिजेक्ट करता है तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। यही नहीं, चोपड़ा ने बताया कि रणबीर सिंह ने 2012 में रामलीला फिल्म साइन कर ली थी और हमारा 2013 में सुशांत के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। अब यहाँ पर चोपड़ा कुछ भी कह रहे थे लेकिन भंसाली कह चुके हैं कि रामलीला फिल्म के लिए उनकी पहली पसंद सुशांत थे न कि रणवीर। अब यहाँ पर देखा जाए तो आदित्य चोपड़ा झूठ बोल रहे थे। अब आगे पुलिस ने कहा कि बाजीराव मस्तानी का क्या, तो आदित्य चोपड़ा ने कहा कि भंसाली ने बाजीराव मस्तानी के लिए हमें अप्रोच ही नहीं किया और बाजीराव मस्तानी को लेकर कोई बात ही नहीं थी। अब यहाँ पर तो आदित्य चोपड़ा ने अपने इस बयान में संजय लीला भंसाली के बयान को तो झूठा ही बता दिया और कह दिया कि बाजीराव मस्तानी के लिए भंसाली ने कोई बात ही नहीं कही थी, जबकि भंसाली ये कह चुके हैं कि रामलीला और बाजीराव मस्तानी की स्क्रिप्ट भंसाली ने सुशांत के लिए ही लिखी थी। इसके बाद आदित्य चोपड़ा से पुलिस ने कहा कि शेखर कपूर ने आप पर आरोप लगाए हैं पानी फिल्म को लेकर, तो आदित्य चोपड़ा ने यहाँ पर भी कहा कि शेखर कपूर झूठ बोल रहे हैं। सुशांत पानी फिल्म के लिए डिप्रेशन में नहीं था और अगर मुझे पानी फिल्म बनानी ही नहीं होती तो मैं उस पर 5-6 करोड़ रुपए क्यों खर्च करता। अब यहाँ पर भी आदित्य चोपड़ा ने शेखर कपूर जैसे सम्मानित इंसान को झूठा कह दिया। अब आपको बता दे कि आदित्य चोपड़ा जैसे लोगों के लिए 5-6 करोड़ रुपए किसी फिल्म के लिए खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं है। इनके जैसे लोग पैसे लगाकर अपने अहंकार के कारण फिल्म को बाद में बंद कर देते हैं। अभी और भी बहुत से सवाल पुलिस ने उनसे पूछे, चलिए उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो पुलिस ने आगे कहा कि क्या आपने सलमान खान के कहने पर पानी फिल्म को बंद किया था, जिसके जवाब में आदित्य चोपड़ा ने कहा कि सलमान सिर्फ इतना ही कहा था कि इतने बड़े बजट की फिल्म आज के इस दौर में नहीं चल सकती है और सलमान ने फिल्म बंद करने के लिए उनसे नहीं कहा था। अब यहाँ पर गलती से ही सही, लेकिन आदित्य चोपड़ा ने अपने मुंह से सारी कहानी उगल दी, यानी कि सलमान खान ने उन्हें पानी फिल्म नहीं बनाने का सुझाव दिया था जिसकी वजह से आदित्य चोपड़ा ने पानी फिल्म नहीं बनाई थी। और पुलिस की इस पूछताछ ने बहुत से बड़े बड़े खुलासे कर दिए हैं और जल्द ही सलमान खान से भी पूछताछ होगी। अब इस पूछताछ में आदित्य चोपड़ा कुछ भी कहे लेकिन अब सब जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने सुशांत को बर्बाद किया। पहले तो उन्होंने सुशांत को कोई भी फिल्में नहीं करने दी और फिर जब सुशांत से सभी फिल्मों को छोड़कर पानी फिल्म पर फोकस किया तो आदित्य चोपड़ा ने पानी फिल्म को ही बंद करवा दिया, जो कि हम आपको पहले भी अपनी पिछली वीडियो में बता चुके हैं, जिसका खुलासा खुद भंसाली और शेखर कपूर ने किया था। अब यहाँ पर तो ये साफ दिख रहा है कि आदित्य चोपड़ा ने इस पूछताछ में बहुत से झूठ बोले हैं। अब आपको क्या लगता है इन सब के बारे में, आप अपनी राय कमेंट में जरूर दें। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।